हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के सैनिक परीक्षण संस्थान के बारे में, थल सेना जिसे हम बोलते हैं आर्मी परीक्षण संस्थान। संस्थान, ठीक है। पहले जो हम बात करेंगे वो संस्थान होगा, मतलब कि कहाँ पर इनका अकेडमी है, नेशनल डिफेंस अकेडमी, खंड गवासला, ठीक है, इंडियन मिलिट्री अकेडमी IMA देहरादून में, ठीक है, इन्फेंट्री स्कूल ऑलिट्री स्कूल माओ देवलाली में, ठीक है, नेशनल डिफेंस अकेडमी नई दिल्ली में, डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज विलिंगस्टन में, और ये है आर्मरोड सेंटर अहमदनगर, ठीक है। फिर एयरफोर्स संस्थान, एयरफोर्स परीक्षण संस्थान, एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कोयम्बटूर में, ठीक है, पैराट्रूपर ट्रेनिंग स्कूल आगरा में है, एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज जलाहली बेंगलोर में, फिर एयरफोर्स अकेडमी हैदराबाद में, फिर एलिमेंट्री फ्लाइंग स्कूल बिंदर में, फिर हमारी इंडियन नेवी नौसेना परीक्षण संस्थान ISS चिकला भुवनेश्वर, ठीक है, INS विशाखापट्टनम, INS शिवाजी लोनावला, IN बेंदुरथी कोची, इंडियन नेवल अकेडमी कोची, ओके। फिर है आग्निशमन सेवा के अधिकारियों का परीक्षण नागपुर के राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविश्वविद्यालय 1965 में संस्थापित में दिया जाता है। अग्निशमन राज्यों का मामला है। भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था, भारतीय प्रतिरक्षा से संबंधित कुछ मुख्य संस्थाओं का विवरण इस प्रकार है। पहला है हमारा नेशनल कैडेट कोर NCC। इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। जो NCC है, जो उसकी स्थापना की गई थी, वो की गई थी 1948 में, ओके। इसका मुख्य उद्देश्य था कि भारत के रक्षा के प्रति जो हमारे मैन है और वुमेन है, मतलब कि जो लड़के लड़कियाँ हैं, उनको जागरूक करना तथा उन्हें अंतिम रक्षा पंक्ति के लिए तैयार रखना है, ओके। इसका आदर्श वाक्य है एकता और अनुशासन, ओके फ्रेंड्स। फिर हमारी प्रादेशिक सेना, प्रादेशिक सेना मीन्स होता है हमारी टेरिटोरियल आर्मी। इसका गठन रक्षा की द्वितीय पंक्ति के रूप में किया गया, ओके। मतलब कि इसका जो गठन किया गया था, वो जो रक्षा की जो हमारी लाइन होती है, एक पंक्ति होती है, उसको मतलब दूसरी पंक्ति में किया गया था, ओके। इसमें 18 से 35 वर्ष की आयु के नौजवान नागरिक भर्ती किए जाते हैं, क्योंकि जो इसके अंदर हम भर्ती करवाते हैं वो 18 से 35 वर्ष की आयु के होने चाहिए, जो इसके अंदर भर्ती होती है, ठीक है। इन्हें पार्ट टाइम में सैनिक परीक्षण दिया जाता है। इनको पार्ट टाइम में क्या दिया जाता है, सैनिक परीक्षण, ओके। और जो इनका मतलब जो ये वाली आर्मी है हमारी प्रादेशिक सेना टेरिटोरियल आर्मी, इसको मतलब इमरजेंसी की कोई भी स्थिति होगी तो इन सेना को बुलाया जाता है, ओके। फिर है सीमा सुरक्षा बल BSF। इसकी स्थापना 1965 ईस्वी में की गई। इसका प्रमुख कार्य सूत्र शत्रु सेना से घुसपैठ तथा सीमा उल्लंघन से अपने देश की सीमा की सुरक्षा बनाना है। इसका मुख्यालय जो दिल्ली में, मतलब कि जो BSF का मेन काम यह है कि मतलब कि जो बाहर के, जैसे कि पाकिस्तान है, उसका जो भी कोई घुसपैठ करे इंडिया के अंदर तारों के नीचे से या बॉर्डर पार करेगा, तो उसको ये रोकती है, ठीक है, BSF, ठीक है। फिर है असम राइफल्स। असम राइफल्स का काम क्या है कि पूर्वोत्तर में भारत म्यांमार सीमा और भारत चीन सीमा की सुरक्षा असम राइफल्स द्वारा की जाती है। देश में इस प्राचीनतम आदर्श सैनिक बल की स्थापना 1835 में कंछार लेवी के नाम से किया गया था, ओके। जो इस बल की स्थापना की गई थी 1835 में ईस्वी में, कछार लेवी के नाम से किया गया था। इसका केंद्रीय शस्त्र बल है, जिसकी 46 बटालियन है, ओके। इसका मुख्यालय शिलांग में है। इस बल को प्यार से पूर्वोत्तर का पहरी और पर्वतीय लोगों का मित्र कहा जाता है, ओके। फिर हमारी एनएसजी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड्स, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं। देश में आतंकवाद की चुनौती का सामना करने के लिए 1984 में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड्स, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स की स्थापना की गई। एनएसजी UK के SAS
SAS और जर्मनी के GSG नो कमांडो बलों के पैटर्न पर आधारित है। इसके दो समूह हैं, स्पेशल एक्शन ग्रुप SAG जिसके सैन्य कर्मचारी होते हैं और स्पेशल रिजर्व ग्रुप SRG जिसमें राज्य पुलिस बलों के कर्मचारी होते हैं। एनएसजी कमांडो को आमतौर पर ब्लैक कैट कमांडो के नाम से जाना जाता है। इनकी ट्रेनिंग मानेसर हरियाणा में होती है। ओके फ्रेंड्स, फिर हमारी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF, इसकी स्थापना 1969 ईस्वी में की गई। इस बल पर केंद्रीय सरकार के औद्योगिक परिसरों में काम करने वाले कारीगरों और वहां की संपत्ति की सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी है। इस बल के अधिकारियों की हकीमपेट हैदराबाद में स्थित है। औद्योगिक सुरक्षा एकेडमी में परीक्षण दिया जाता है। ओके, जो CISF होता है उनका क्या होता है, जो परीक्षण होता है वो कहाँ पर होता है, हमारा राष्ट्रीय औद्योगिक सुरक्षा एकेडमी में परीक्षण किया जाता है। फिर हमारा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF, इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 में की गई। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसे पहले क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस कहा जाता था। 28 दिसंबर 1949 के बाद से इसे CRPF कहा जाने लगा। राजस्थान के माउंट आबू में CRPF एकेडमी स्थित है। ओके, जहाँ पे इनकी ट्रेनिंग की जाती है वो कहाँ पर है, राजस्थान के माउंट आबू में। ओके, यहाँ इस बल के अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा निचम मध्य प्रदेश, निमंच मध्य प्रदेश, कोयम्बटूर तमिलनाडु और नांदेड़ महाराष्ट्र में CRPF के 3 परीक्षण कॉलेज है, जहां अधीनरत अधिकारियों के लिए पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। नोट, त्वरित कार्य बल रैपिड एक्शन फोर्स RAF का ही भाग है, जिसकी स्थापना दंगों जैसी स्थितियों में निपटने के लिए 1992 में की गई थी। ठीक है, फिर है सशस्त्र सीमा बल SSB। ठीक है, SSB 15 दिसंबर 2003 से पहले इसका नाम स्पेशल सर्विस ब्यूरो था। इसका गठन 1963 में किया गया था। इसके गठन का मुख्य उद्देश्य 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों में लोगों में विश्वास पैदा करने और देशभक्ति की भावना का विकास करना तथा SSB 15 जनवरी 2001 से गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। वर्तमान में भारत नेपाल और भारत भूटान सीमाओं पर कार्यरत SSB इससे पहले भारत चीन के सीमावर्ती क्षेत्रों के अलावा राजस्थान, गुजरात, मिजोरम, नीदरलैंड, मणिपुर, मेघालय और सिक्किम की सीमाओं पर अपनी सेवा दे चुका है। ठीक है, फिर है भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP। ओके, भारत तिब्बत सीमा पुलिस का गठन चीन आक्रमण के बाद, फिर हमारा भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP, भारत तिब्बत सीमा पुलिस का गठन चीन आक्रमण के बाद अक्टूबर 1962 को किया गया था। इसका गठन खुफिया सिंगल सिग्नल पायनियर इंजीनियरिंग चिकित्सा और छापामार की एकीकृत इकाई के रूप में किया गया था और इसका और नियंत्रण प्रारंभ में खुफिया ब्यूरो के हाथ में दिया गया था। वर्ष 1975 में इसके कार्य क्षेत्र का पूर्ण व्याख्या की गई, जिसके तहत इन पर सीमा पार से घुसपैठ और अपराध को रोकने का उत्तरदायित्व सौंपा गया। भारत तिब्बत सीमा पुलिस का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका अध्यक्ष महानिदेशक पुलिस का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका अध्यक्ष महानिदेशक होता है। ITBP का आदर्श वाक्य शौर्य, दृढ़ता, कर्म निष्ठा है। यह बल वर्तमान और मध्य और पश्चिम हिमालय क्षेत्र का आपात प्रबंधन की नोडल एजेंसी का
दायित्व संभालने के साथ साथ कैलाश मानेश्वर यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों की को सुरक्षा संचार और स्वास्थ्य सुविधा भी उपलब्ध कराता है। वर्तमान में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के कुल 68 जनवरी 2017 तक बटालियन है। ठीक है, संगठन और स्थापना और मुख्यालय, ठीक है, असम राइफल्स AR, ठीक है, सो ये हमारी शॉर्ट फॉर्म है AR, ठीक है। हर जितने भी बल हैं, या वो हमारा CRPF हो, SG हो, NCC हो, TA, ITBP, BSF, CISF, कोस्ट गार्ड, NSG, RAF और राज्य पुलिस, ठीक है, ठीक है। असम राइफल्स, इनकी जो स्थापना की गई थी, किस वर्ष में की गई थी, वो की गई थी हमारी 1835 ईस्वी में शिलांग में। ओके, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF, इसकी स्थापना की गई थी 1939 में नई दिल्ली में। ओके, फिर है होम गार्ड्स SG, इसकी स्थापना हुई थी 1946 में विभिन्न राज्यों के लिए, ठीक है, विभिन्न राज्यों में हुई थी इसकी स्थापना। ओके, राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC, इसकी स्थापना हुई थी 1948 ईस्वी में नई दिल्ली के अंदर। ओके, फिर है प्रादेशिक सेना ITA, ठीक है, प्रादेशिक सेना TA, टेरिटरियल आर्मी, ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1949 ईस्वी में विभिन्न राज्यों में हुई थी इसकी स्थापना, ठीक है। भारत तिब्बत पुलिस, इसकी नई दिल्ली में हुई थी, इसकी जो स्थापना हुई थी नई दिल्ली के अंदर हुई थी, इसका मुख्यालय जो नई दिल्ली में, और इसकी स्थापना हुई थी 1962 ईस्वी में, ठीक है। फिर भारत सीमा बल, ठीक है, मतलब कि सीमा सुरक्षा बल BSF, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1965 ईस्वी में नई दिल्ली के अंदर। जितने भी है इसके पास सब नई दिल्ली के अंदर स्थापना हुई थी, जैसे कि हमारा CISF, इसकी स्थापना हुई थी 1969 ईस्वी में। फिर तट कोस्ट गार्ड्स, ठीक है, तट रक्षा बल, इसकी स्थापना हुई थी 1978 ईस्वी में। फिर हमारा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड्स NSG कमांडोज, जिनकी स्थापना हुई थी 1984 ईस्वी में नई दिल्ली के अंदर। फिर है त्वरित कार्यबल RAF, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1992 में, इसका हम दे नहीं रखा है यहाँ पर मुख्यालय कहाँ पर। फिर राज्य पुलिस, ये जो राज्य पुलिस है, इसकी जो स्थापना हुई थी उसकी हमने डेट नहीं दे रखी, बट ये जो है विभिन्न राज्यों में, ठीक है,